शांति ओम शांति। मैं आपको एक बात समझाऊं। एक पेड़ है, वो पेड़ में बहुत निताश का फल है, एक छोटा सा लटका। उस फल को खाने का इच्छा से एक पत्थर लेकर के वो पेड़ को डाला। वो अचानक वो पत्थर आपको लग गया, तो आपने क्या सोचा? कौन ये पत्थर को मारा? इधर उधर देखा, वो छोटा सा लड़का आपको नजर में आया, तब उसको आप दोषी समझते हैं या नहीं समझते? समझते हैं। उधर व्यक्ति को ही दोषी समझा आपने, उस बच्चे के ऊपर चिल्लाया और उसको थोड़ा पीटा, कुछ भी किया, ये एक दृश्य। वही पेड़ के तरफ आप जा रहे थे, आपके सिर के ऊपर पत्थर गिरा, आपने देखा इधर उधर सब जगह कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, ऊपर ऐसे देखा तो एक बंदर है। क्या बंदर से झगड़ा करेंगे? बंदर से क्या कुछ केस डालेंगे? बंदर को पकड़ करके उसको कुछ शिक्षा देंगे? नहीं। फिर भी आपको कुछ लोग वे भी नहीं छोड़ते, ए बोल करके उस पत्थर को लेकर के वो बंदर को मारना लग जाते हैं। उसमें भी अपना कर्म का फल को स्वीकार नहीं किया। अब तीसरा सीन लेते, आप वही पेड़ के तरफ से आ रहे थे, पेड़ के नजदीक पे आते थे, वहां एक पर्वत है, माउंटेन। वो माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा क्या है, पत्थर है, वो गिर गिर कर आकर के आपके सिर पर पड़ा। क्या सभी जाकर के उस पर्वत के साथ झगड़ा करेंगे? तो क्या समझेंगे उस वक्त? मेरा रंचार, मेरा टाइम, मेरा कर्म। ऐसे समझते हैं नहीं? वही कर्म का फल बच्चों के बच्चे से जो हुआ एक्सेप्ट नहीं किया, थोड़ा अधूरा बंदर के साथ एक्सेप्ट किया, जब वो पर्वत से वो पत्थर गिरा तो अपना कर्म समझ करके उस पत्थर के प्रति कोई केस डालने की भावना रखा, उसको गाली देने का भावना रखा, उसको जाकर के थोड़ा मारे ऐसे कुछ आपने अभिप्राय रखा, क्रोध किया? नहीं। क्यों? उधर आपको व्यक्ति दोषी लगा, उधर आपको बंदर दोषी नहीं लग सकता और पर्वत दोषी नहीं लग सकता। ऐसे ही हमारा कर्म का फल व्यक्ति से भी आ सकता है, स्थूल सूक्ष्म रूप के चीजों से भी आ सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये मेरा ही कर्मों का फल है, जो निमित्त बना है वो केवल निर्दोष है। निमित्त को क्या समझना है? निर्दोष। मेरा कर्मों का फल देने वाला को क्या समझना है? निर्दोष। निर्दोष क्यों समझना है? निमित्त। समझो आपके घर में कोई पोस्टमैन आया, मेरे बात ठीक से सभी ध्यान से सुनी, आपके घर में कोई पोस्टमैन आया, आपको एक पोस्ट दिया, आपको पढ़ने नहीं आता है, उसमें बुरा खबरें भी हो सकता है या अच्छे न्यूज भी हो सकता है, अच्छे बातें भी हो सकता है। वो पोस्टमैन ने आपको बुरी कहानी बुरी बातें सुनाया जो पत्र में था, तो क्या आप पोस्टमैन को दोषी समझते? क्या समझते पोस्टमैन को? पोस्टमैन को क्या समझते? जस्ट डिलीवरी का काम किया समझते, निमित्त समझते। आपका भावना उसके प्रति बिगड़ता नहीं। तो ऐसे ही हमारे आत्मा पिछले जन्म यानी पिछले अवतार में जो कर्म का बीज बोके आया है, उसका रिटर्न देने के लिए एक कुदरत
ये ब्रह्मांड ये कोई ना कोई रूप से हमारे पास किसी को पोस्टमैन के रूप में, कुरियर के डिलीवरी के रूप में, किसी ना किसी रूप से कर्म को चुप्त करने के लिए एक को निमित्त बनाता है। जब हमको ये जागृत रहता है, ये निमित्त है, निर्दोष है, तो हमारा कर्म कौन से बात में चले जाता है? जीरो। कौन से किस में चले जाता है? जीरो। अगर निमित्त को दोषी बना दिया तो हम भाव कर्म में फिर बंध गया, भाव कर्म में फिर बंध गया। इसीलिए किसी भी हालत में हम किसी को भी किस दृष्टि से नहीं देखना है, दोषी।